ऑल राइट बेबी, गेमिंग वर्ल्ड इन द हाउस। तो पहली बात मेरे को समझ नहीं आ रहा, इसके आगे मैं करूँगा क्या? ऐसे सुनसान जगह में फंसा पड़ा हूँ जो लास्ट टाइम में मैं जहाँ पर फंसा था आज भी वही पर हूँ। वाह, और मुझे घंटा कुछ नहीं पता इसके आगे जाना क्या है और करना क्या है। क्या कर रहा है भाई? और बहुत ही जल्दी शाम होने वाली, और ना ही मेरे पास रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए खाना पानी। नहीं नहीं, वैसे पानी है, बाजू में पानी है, लेकिन खाने के लिए कुछ खाना भी तो चाहिए ना भाई, नहीं तो फिर मैं तो भूखे मर गया तेल लेने। जब से ये गेम खेल रहा हूँ मेरे को अब तक का एक बात समझ नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्या है? भूखे मरो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि सभी की हो क्या? और सभी को ऑल राइट बेबी, गेमिंग वर्ल्ड इन द हाउस। आज हम खेलेंगे द बिल्डिंग सिटी। ये भी एक माइनक्राफ्टिंग गेम है भाई साहब, मैं तो बड़े एक्साइटेड हूँ इस गेम को खेलने के लिए। क्या आप हैं मेरे साथ? हाँ, मुझे नहीं लगता आप मेरे साथ होंगे, आप अपने साथ ही रहो, अपने साथ ही ठीक हो आप और मैं मेरे साथ। लेट्स बिगिन। कब से ये ब्लॉग्स जमा किए जा रहा हूँ पता नहीं इसका क्या काम होता होगा। हरियाली देख रहे हो भाई साहब, क्या हरियाली, वाह 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 वाह, दिल छू गया, हृदय प्रफुल्लित हो गया मेरा तो। वाह भाई 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 भाई, अबे सामने मशरूम है क्या बे? नहीं, वो देखो दूर एक पहाड़ दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा होगा। अरे मन की आंखों से देखो मेरी जान, तो दिखेगा आप लोग को भी। कुछ भी, ये क्या चीज है बे? एक मिनट, ये क्या चीज है? ये टच करके देखा जाए। बकरी है, बेड़ था बे, बेड़, इसको बेड़ बोलते हैं, और ये जरूर गाय का बच्चा होगा, बछड़ा। तो देख, हाँ ये गाय का ही बच्चा है। नहीं नहीं, लो मैं भी इंजीनियर बन सकता था, वो अलग बात है, दुनिया मानती नहीं है। ये क्या भला है भाई? ये जरूर इतना बड़ा मशरूम पहली बार देख रहा हूँ। खाड़ा पूरा का खाड़ा। पहली बात तो ये है, इतना बड़ा मशरूम यहाँ कर क्या रहा है? चीज ही नहीं होती ऐसे अच्छे लग रहा है, ग्रेविटी जैसी कोई चीज ही नहीं होती। ये तो क्या अभी हवे में कैसे लटक रहा भाई? हाँ लटकने दो साले को, कौन सा मेरे बाप का जा रहा है। चलो ठीक है, मेरे को एक पहली बात, क्या कर रहा है बे? बॉडी से जूते खाएगा क्या? ये क्या है? क्रिमिनल स्टाइल। अबे अबे अबे, इसको तो मैं पूरा खा के रहूंगा। पहली बात तो ये है, मुझे नहीं पता इसका काम क्या है और ये किस काम आता होगा, जरूर खाने के काम आता होगा। अबे मसूर, हाँ ये कर लो पहले, खाने के ही काम आते हैं और क्या काम आएंगे। अब तक काम मेरे पास, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ यार, मेरी कोई भी बात अगर बुरी लगे तो दिल पे ले लेना, ठीक है? ले लोगे ना? नहीं लोगे? अरे बड़े बच्चे हो यार, तुम ले सकते हो। वैसे भी दिल पर ही लेना, कहीं और नहीं लेना, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? हाथों में खुजली, पिछवाड़े में भी खुजली। इस खुजली को मिटाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, बस इसको पूरा खत्म करना, और वैसे भी मैं कर भी दिया खत्म। पहली बात से बोलते हैं रस मशरूम, जिसको मैंने भी पूरी तरीके से खत्म करने के बाद मेरे को मेरा 13 ब्लॉक। माँ की आंख, क्या पानी है भाई साहब, इतना सुंदर पानी भाई। अगर मैं इस पानी में डूब जाऊं क्या लगता है, मैं मरूंगा? What? जरूर मरूंगा। रुक जा,
ये क्या है बे? मजाक। ये कहाँ आ गया मैं? जन्नतपुर। अबे तो गड्ढा है बे। इस गड्ढे में कैसे पहुंच गया बे मैं? अबे भाई अच्छा खासा बाहर था मैं। माँ की आंख, माँ की आंख। अब इससे बाहर निकलूंगा कैसे भाई? माँ की आंख। ये क्या, ये किस चल क्या रहा है ये? जरूर ये पत्थर होना चाहिए। अबे ये जल्दी टूटता भी नहीं है बे। अबे भाई 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 टूटा। इसको तोड़ने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे को। वैसे ये आसानी से टूटेगा तो है नहीं। साला ये टूटने का नाम क्यों नहीं लेता? कहीं ये अंबुजा सीमेंट से तो नहीं बना है? ये अंबुजा सीमेंट यहाँ लाया किसने? तोड़। देखो पहली बात तो ये है, मैं पता नहीं कौन से गड्ढे पे पहुंचा हूँ और कैसे पहुंच गया मुझे भी नहीं पता। बस बेकी तो हुआ था यार, पोज किया था, पोज डायरेक्टली गड्ढे में। गद्दारी कर पे तोर बहन की बात की जरूरत नहीं। चलते नहीं, तू कर सकता है, तू आराम से कर सकता है। ठीक है। नहीं यार कुछ ठीक नहीं है, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। अपन आइस से तोड़ डालेगा क्या? पहली बात, सीधी बात, नो बकवास, मुझे मरना नहीं है। और दूसरी बात, क्या मैं यहाँ मर सकता हूँ? पता नहीं, अब देखना पड़ेगा। अभी मेरे को इतनी क्या जल्दी है मरने का? ऐसे तो ऐसे कैसे मरूंगा मैं? पहुंच रहा हूँ। इसके लिए अगर मुझे मरना है तो उसके लिए मेरे को जितने लाइफ जैकेट से उसे पूरे खत्म करें। बारिश हो रही है क्या? सच में बारिश हो रही है भाई। क्या लगता है अगर इस बारिश में भीग जाऊँ क्या मैं, क्या मुझे सर्दी जुकाम होगा जैसे रियलिटी में होता है? मुझे नहीं लगता सर्दी जुकाम जैसा कुछ होने वाला है यहाँ पर मेरे को। और ये बारिश हो रहा धड़ क्या लगता है गड्ढा भरेगा? मुझे तो नहीं लगता गड्ढा भरने वाला है। अगर मैं बाहर निकल कर देखूँ तो पता चले कितनी जोर से और कितनी तेज बारिश हो रही है। देखना पड़ेगा कूद के जो तिरका तेरी जात का पैदा मारूं। और पिछवाड़े में क्या कर रहा है यार मेरे? हे नीचे वाले बचा ले। वाह, बस इसी तरह से गोल घूमते रह फिर निकलेगा बाहर। तेरे को बाहर निकलना क्या करना है? कर क्या रहा जो अब तक का? ये मैंने तोड़ डाला। नहीं, जितना थोड़ा उससे ज्यादा वही नीचे है। जिंदगी में सिर्फ पाना ही सब कुछ नहीं होता, उसके साथ नट बोल्ट भी चाहिए होता है। जय माता दी, सारे बोलो जय पिताजी। लोगों को हमेशा उल्टा सुनने में बड़ा मजा आता है, तो लेट्स ट्राई उल्टा के चक्कर में कहीं तेरे उल्टे लग ना जाए। ठीक है, मैं इसे तोड़ सकता हूँ। जितना जल्दी मैं इसे काम करूँगा इस पर उतनी जल्दी मैं बाहर निकल सकता हूँ। मुझे नहीं लगता ये जो मैं तोड़े जा रहा हूँ ये क्या है भाई? पत्थर होने चाहिए। नहीं मुझे तो वही लग रहा है पत्थर है। आप लोगों को क्या लग रहा है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बारिश, ऊपर से बारिश और मेहनत का काम। हम बड़े मेहनती साहब क्योंकि हम गरीब है, हमेशा गरीब के नाम में रोना ही इसका तेरी जात का पैदा मारे। ब्लू आइस हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैंने, ऑशर चोटी ड्रेस में तू बॉम्ब लग दी मैंने, ऑप्सी लिप्स। उसके बाद ऑप्सी लिप्स तेरी ट्रिक्स लग दी है किलर। तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। काहे गाने का गुड़गोबर कर रहा है भाई? अच्छे खासे गाने का पूरा सत्यानाश कर दिया। अभी क्या लगता है मैं भीग सकता हूँ क्या? मालूम बराबर से ढंग से कुछ दिख नहीं रहा। माँ की आँख, क्या नजारा है मेरी जान। ये हुई ना बात, ये नज़ारा देख के दिल को ठंडा को फेफड़े को राहत मिला। वाह, जिंदगी में ऐसा नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा। असल जिंदगी में तो कभी देखा तो है ही नहीं, पर गेमिंग जिंदगी में ये देखने को मिला। ये देख के दिल बड़ा खुश हुआ। वो गेम खुश हुआ।
एक मिनट, अभी ये पास पेड़ है क्या? तो ग्रेविटी कहाँ गई? ग्रेविटी की जाता फायदा मारो, ये छोड़ो, ये देखो नज़ारा, देखो कितना मस्त नज़ारा दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ना आप लोग को? अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो जरूर दिख रहा होगा ये नज़ारा। अबे बाकिया सॉरी, जिस गड्ढे से निकला था उसी गड्ढे में जाकर गिरा। अबे मैंने ये गड्ढा कब खोदा था? माना कि वो कहावत है जो जिसके लिए गड्ढा खोदता वो उसी गड्ढे में गिरता, तो मैंने कब गड्ढा खोदा था भाई? मैं तो गड्ढे से निकलने की कोशिश कर रहा था, जिस गड्ढे से मैं निकला था बड़े मुश्किल से, फिर मैं उसी गड्ढे में जा गिरा। वाह, इसे कहते हैं घर करना घाट का, बाकी मुझे भी नहीं पता, जाके पता कर लेना। अगर आप लोगों को पता इसका फुल सेंटेंस तो बता देना जरूर। अबे मुझे बारिश का नजारा देखना है भाई, मुझे बारिश का नजारा देखना है, क्या हो रहा है? तो 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 बाहर निकलना तो भाई मजदूरी तो करना पड़ेगा मेरी जान, तोड़ 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 तोड़, जितना जल्दी तू तोड़ेगा उतना जल्दी निकलेगा भाई। तू क्या कर रहा है? तोड़ 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 तोड़। मुझे नहीं लगता कि शायद ये वीडियो आप देख रहे होंगे, और पहली बात घंटा समझ नहीं आ रहा होगा आप लोग को ये मेरा कॉन्सेप्ट, मतलब मैं चाहता क्या हूँ इस गेम में, बस कर क्या आ रहा हूँ आप लोग को बता दो, मुझे भी नहीं पता यहाँ कर क्या आ रहा हूँ। मेरे को चाहिए घर, मैं जब पिछली बार इसमें आया था तो यहाँ मैं घर में रुका हुआ था, और अब मैं पता नहीं कौन सी पहाड़ी पे रुका हुआ हूँ। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, देखना पड़ेगा। अरे यार ये बैग कैसे हो रहा है? रुक जा रुक जा, हो गया हो गया। नजारा देख रहे हो, घर का पता नहीं पर नजारे का मजा लेना जरूर। वाव भाई साहब, ओ देखो दूर एक बादल, बादल से बरस रहा है पानी। पहली बात मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो क्या अबे सर्दी जुकाम हो जाएगी बे। ए ग्रेविटी कहाँ है बे? भाड़ बगैर ग्रेविटी, ये तो वही बात हो गई, ग्रेविटी जैसी कोई चीज ही नहीं होती। ए ग्रेविटी चाचा, ग्रेविटी चाचा किधर गए यहाँ? ये तो ये वही बात हो गई ना, हमारे इधर ऐसे ही होता है, होता होगा साला। मजे की बात तो ये है इस पेड़ के नीचे एक भी बूंद टपक नहीं रहा, और मैं यहाँ आराम से रह सकता हूँ, और बहुत ही जल्द यहाँ शाम होने वाली और मेरी हिल लगने वाली है वही बराबर से। ये जो बाजू में अभी गड्ढे दिख रहा था, मुझे लगता है इसी गड्ढे से अभी निकला हूँ, थोड़ी देर पहले इसी गड्ढे में जो गिरा था मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, यार समझ नहीं आ रहा इससे आगे और मैं कहाँ जाऊँ। मुझे चाहिए रहने के लिए घर। अबे 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 बाल बाल बचा भाई, मैं तो सोचा गया, मैं डूबते डूबते बच गया। चलो कोई तो सुपर पावर है मेरे में, मैं दौड़ सकता हूँ डूब नहीं सकता। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत जल्द शाम होने वाले तो मुझे यहाँ घर चाहिए होगा रहने के लिए, और मुझे अबे कहाँ फंस गया। वाह अभी मिनी हार्ट अटैक आ गया रस्ती ही चक करके। ये क्या था बे? ये मुगरी है, मुगरी मुर्गी है, मुगरी मुगरी नहीं है, ये मुर्गी नहीं है। ये क्या है? पंपकिन, कद्दू, ले मेरा कद्दू। आप लोगों को क्या लग रहा है गाइस? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कद्दू है, मुझे तो यही लग रहा है कद्दू है। और वो देखो मुगरी, मुगरी भाई मुगरी, तेरी जात का फायदा मारू मुगरी, आज तो उनकी पार्टी है रे, पार्टी 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 पार्टी। ये मुगरी ने मुगरा है, मुगरा ये मुगरा था मुगरा। ए भाई 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 भाई, 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 भाई। बच के तुझ पे नजर है बाबा, तुझ पे नजर है, फिर से बोल जरा क्या क्या बोला रे।
क्या बेसुरा आवाज है ना, ताल का पता है ना सुर का पता है, मेरे गाने में सुर ताल काटता है। अगर आप लोग के गाने में सुर ताल है तो जाओ खुला ऑडिशन देने के लिए, आना फिर कभी हवेली को। एक से अपने को मन नहीं भरो तो हम दूसरे मुर्गा के खाने के लिए लेके चल दिए निकल पड़े। ये मुर्गा अपने को धोखा देते हुए आगे बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, हम एक नंबर के ढीठ है, हम ऐसे कैसे पीछे छोड़े। कहाँ एक मिनट कहाँ मर गया बे, ध्यान से सुन, मिल गया सामने सामने सामने, ये मारा नहीं मर। अबे यार पहली बार फिर वो हंटिंग करने को निकला। अबे राकेश तू हंटिंग के लायक ही नहीं है, ये मारा मैंने इससे दूसरा मुर्गा खा डाला। आज तो उनकी चिकन पार्टी है बेड़ो, किसी को मांगता है क्या बेड़ो। वो देख रहे यही है इसकी माँ का, यही लोग है जो थोड़ी देर बाद में मुंह उठा के चले आएंगे मुझे मारने के लिए। नहीं नहीं वैसे मुंह उठा के आएंगे, कुछ और उठा के तो अजीब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तेरे दोनों भाई को तो मैंने खा डाला, तेरे को क्या लगा मैं तुझे छोड़ूंगा। ले मैंने मारा तीसरा मुगरा, ये क्या है बे, अली बाबा का गुफा, अली बाबा का गुफा। और इतने थोड़ी देर पहले जो मिला था अपने को आप फिर से ये वही चीज मिला, इसको क्या बोलते बेड़, बेड़ की जात का पड़ा मारे। सुनने में आया था बेड़ से हम ऊन निकाल करके हम अपने लिए चादर बना सकते हैं, क्या मैं इससे निकाल के बना सकता हूँ। नहीं इससे पता चलता है, मैं इससे निकाल के चादर का तो पता नहीं पर इसका चिकन मटन जरूर खा सकता हूँ। ये क्या है बे, सुअर है बे, सुअर सुअर की जात का फायदा मारू। अच्छा ये मर गया सुअर। पहली बात तू यहाँ क्या कर रहा है, सुअर जानवरों को मारने के लिए आया क्या तू। ये है ओपन वर्ल्ड, पहली बात मुझे नहीं पता यहाँ मैं कर क्या रहा हूँ, दूसरी बात सच में नहीं पता मैं यहाँ करना क्या चाह रहा हूँ। सॉरी खिड़की खोला भूत वाला, देखो घर है मकड़ा का जाला, सारा गाने का बोलकर अबे भाग 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 अबे भाग भाग। भाई 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 अभी शाम हो गया और मुझे चाहिए एक सेफ जगह जहां मैं आराम से जिंदा रह सकूं, क्योंकि शाम हो चुकी है और मुझे जिस बात का डर था वही चुआ ना, मुझे इतनी देर से कोई घर मिला रहने के लिए और ना ही खाना, ले लेके खाना तो मिल गया लेकिन अब चाहिए घर। भाई जिंदा रहना है तो घर तो चाहिए हुआ चाहिए। अबे माकियां माकियां बाल बाल बचा, अरे मादर जो वीडियो शूट हो रहा क्या कर रहा है तू। अभी अपने साथ है ये बैन का घोड़ा अपने साथ जुड़ा हुआ, क्या लगता है मैं बचाऊंगा नहीं बचूंगा, तेरे को क्या लगता है। देख अभी शाम हुआ और मैं यहाँ मरने वाला हूँ, तेरे को मालूम मेरे पीछे इतने सारे लोग पड़े हैं वो हम देखो देखो दिख रहा है अभी दिखा होगा तेरे को, वो मारने वाला मेरे को और पीछे से तीन चार लोग पड़े हैं अभी। चलो फाइनली मेरे को गुफा तो मिल गया भाई लोग, क्या लगता है बाकी यार। अब तो मैं गया, अब डेफिनेटली गया मैं, पता नहीं बेस्ट, तेरे को मालूम नहीं मालूम, पता करने का तो आना फिर रात 8 बजे खूब चिली अपुन सिखाएगा क्या। फाइनली मैंने इसको मार दिया गाइस, इसको मारने के बाद बिल्कुल ठंडा पर फेफड़ी को राहत तो मिल गया फिलहाल के लिए, और मुझे नहीं पता इस गुफा में और कौन कौन क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तेरे को क्या लगता है यहाँ क्या होंगे, जानवर लाऊंगे क्या लगता है, फिर मैं इसमें बच पाऊंगा नहीं बच पाऊंगा। तेरे को खाट डालेंगे चीर डालेंगे, तू तो यही चाहेगा ना साले मनुष्य जुबान तेरा लग ही गया मालूम। देख अभी मैं मरने वाला हूँ, मेरे पास है 3.5 क्या बोलना चाहिए 3.5 तो गया बेटा 3.5
अरे माँ की यार गया। साले मनु जुबान मत लगा सर, पता है तेरे चक्कर में जरूर मरूंगा। देख इतने अंधेरे में हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं निकलूंगा कैसे। तू है पता नहीं कौन से पक्षी। साल ये वही रास्ता, थोड़ी देर नहीं ये वो रास्ता नहीं है, नहीं ये रास्ता नहीं है। मुझे निकलना है बे यहाँ से, कैसे नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा सच में। अगर निकल गया तो चीर के रख। अभी 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 लो मनु जुबान लग गया है उधर, रम यमराज वेट कर रहा है मेरा। मेरे पास है मुझ बड़े मुश्किल से 3.5 लाख जैकेट, उधर दिल आधा दिल टूटा हुआ 3 बराबर है। अगर ये भी पूरा गया तो मैं तो खत्म। और ये बैंक का बोरा एकदम सीना तान के मेरा वेट कर रहा है। आ बेटे तेरे को तो मैं देख लूंगा करके। अबे 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 ए भाई भाई मुझे नहीं मरना यार, मुझे नहीं मरना। अगर मुझे जिंदा रहना तो मुझे इसे फाइट करनी होगी और मुझे इसे मारना होगा। ले मारा, दे मारा, उठा के मारा, झुका के मारा। ये मैंने पीछे से मारा, आगे से आके मैंने सामने से दिया, पीछे से आके मैंने पीछे सामने से दिया। डिवाइन की आवाज में क्या छोड़े, अच्छे से बात कर। तेरे को मालूम अपुन कौन, तेरे को मालूम। मर गया देख, मैंने इसे मार डाला। तू क्या बोल रहा था, मैं मरूंगा? तू गलत था मेरी जान। मैं चला निकल साले। अब ये तो निकल गया, अब हम अपनी यहाँ फोकस करेंगे ठीक है। अबे 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 चलो फाइनली मैंने इसको तो मार तो डाला है। क्या लगता है मैं बचूंगा नहीं बचूंगा? भाई मुझे बचना है किसी भी हाल में, मुझे सरवाइव करना है इसमें। और इस गुफा में पता नहीं कौन सा अली बाबा का गुफा है। माता फोकट में डिस्टर्ब किया जा रहा है, मैं गेम खेल रहा, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, वीडियो शूट हो रहा है साले। इतना अंधेरी गुफा मादर जात, भाई मुझे कुछ दिखने रहा। बे अबे मैं यहाँ करके आ रहा हूँ, मुझे असल में आना ही नहीं था, मुझे असल में आना ही नहीं था। ना कोई रास्ता पता ना कुछ पता, मैं यहाँ बड़े मुश्किल से एक मिनट रास्ता दिख रहा है, रास्ता दिख रहा है। क्या लगता है भाई लोग कि मैं यहाँ से निकल पाऊंगा या नहीं? उम्मीद रख खुद पे, भरोसा रख खुद पे। उम्मीद पे सारी दुनिया कायम है माँ की, आप उम्मीद पे सारी दुनिया कायम हो कि मैं नहीं हूँ। मेरा उम्मीद तो पहले से मर गया, जैसे इस गड्ढे में गिरा हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या घंटा निकलूंगा इस गड्ढे से। अबे भाई 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 भाई, भाई। मुझे नहीं मरना। फिलहाल तो अभी मैं मरने के मूड पर नहीं हूँ। गौर से देखिए इस इंसान को 3.5 कत्ल करके बेशरम की तरह खुले हाम घूम रहा है, घंटा खुले हाम घूम रहा है। पूरे पता नहीं कौन से अली बाबा की गुफा में घुस चुका है साले, निकल भी नहीं रहा है। देखो भाई लोग ये खुद के लिए बोल रहा था ठीक है, दिल पे मत लेना। अगर दिल पे ले लिए, अगर मेरी बात दिल पे लगी तो ले लेना। और जितनी देर में यहाँ रह रहा हूँ उतनी देर मेरी लाइफ जैकेट जो है यहाँ रहने के चांसेस मेरे खत्म हो रहे हैं। मुझे फिर से वहाँ नहीं जाना। कुरेद के साला मैं परेशान हो गया, मैं यहाँ करके आ रहा हूँ। अबे यार कुछ दिखने का नाम तो कुछ है ही नहीं, और मेरे पास कोई जलाने के लिए मसाला वगैरह है भी नहीं। यहाँ महसूस मेरे को पानी हो रहा, मतलब मेरे को पानी महसूस हो रहा है। देख डर के चक्कर में मुंह से क्या बोलना क्या निकल रहा है। अब तो तय है मैं तो मर के रहूंगा, मैं तो गया। अब मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। मुझे नहीं मरना भाई, मुझे नहीं मरना यार, मुझे नहीं मरना है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई, इतनी अंधेरी गुफा में मैं घुस चुका हूं। क्या जरूरत अब सारे यहाँ के घुसने का?
रास्ता खोज राकेश, रास्ता खोज। तू कर सकता है, भरोसा रख, भरोसा की माँ का भरोसा। चारों तरफ घूम के मैं परेशान हो गया, चारों तरफ जिधर भी जा रहा हूँ पानी। अगर मैं जिस तरफ से पानी आ रहा है उस तरफ में अगर मैं जाऊँ तो मैं शायद में निकल सकता हूँ। कोशिश तो वही कर रहा हूँ मगर निकल क्यों नहीं रहा हूँ। एक मिनट, राव पॉकेट सॉक, ये क्या होता है बे? ये किसी जगह का नाम है क्या? राव पॉकेट सॉक क्यों? वो तो दुकान का नाम लग रहा है। वो चल छोड़ था, तोड़। वाह, टूटने का तो कोई नाम ही नहीं है भाई। किस मिट्टी का बना है? टूटता क्यों नहीं है? टूटेगा भी कैसे? अभी माँ की आंख, लो मर गया बहन का भाई। मरने के बाद अब पुनः आया ओपन वर्ल्ड में, जहां मैं जब भी नहीं, ये गलत है, तू गलत जा रहा है मेरी जान। वाह भाई साहब, क्या सुबह है। इसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग, माँ की आंख। अब तक का गेम तो घंटा कुछ समझ नहीं आया, बहुत बढ़िया। आप लोग भी नहीं समझे, मैं भी तो नहीं समझा। मस्त जोड़ी है। और यहाँ मैं आइटम सेलेक्ट कर सकता हूँ पर मेरे पास है नहीं, तो क्या घंटा करूँगा? तो मुझे, वाह भाई देखो, पहली बात तो ये है, मुझे चाहिए था एक घर स्टार्टिंग से ही, और मैं घर ढूंढ रहा हूँ, अब तक ढूंढ ही रहा हूँ, और ना ही अब तक कुछ मिला है, और ना ही मिलेगा। इस तरह से तो नहीं मिलेगा जिस तरह से मैं ढूंढ रहा हूँ। तुम लोग नज़ारा देख रहे हो, क्या मस्त नज़ारा है भिड़ो, दिल छू गया भाई ये तो। वाह, मेरे साथ देने के लिए मेरे साथ है एक सुअर और एक गाय का बछड़ा और एक भेड़। माँ की आँख, नहीं ये जो है गाय का ही बछड़ा होना चाहिए, और ये सुअर, ये तो बीच वाला भेड़ है, इतना तो समझ में आ गया, ये गाय का ही बछड़ा। अबे हट ना तू, ये तू भी हट। गाय का बछड़ा। 5 करोड़, इसी सही जवाब के साथ मैं जीतता हूँ 5 करोड़। ये तो सुअर है, चल भाग साले, बीच बीच में आता है, तेरी जात का फायदा मारूं या नहीं मारूं, वैसे भी तेरी जात का कौन फायदा मारना चाहेगा सुअर के शकल के। अब तो ये बोल रहा होगा सुअर, इसमें मेरी गलती है, लो तेरी गलती है, मैं भी बोल रहा हूँ ये तेरी गलती है, तेरे को यहाँ आसन होना ही नहीं चाहिए था। मेरे को जाना है पहाड़ के ऊपर, क्योंकि यहाँ से शायद मेरा जो गोल है वो दिख सकता है। कोई मुझ पे चढ़ ना सके, जैसे मैं एवरेस्ट का पहाड़ हूँ मैं। बहुत बढ़िया। ओ भाई साहब, क्या लगता है यहाँ से मैं जो ढूंढना चाह रहा हूँ मिलेगा या मुझे या नहीं मिलेगा? ये आप लोग के लिए सस्पेंस, क्या अब मैं वो चीज ढूंढ सकूंगा जो मुझे चाहिए, असल में चाहिए मुझे घर। फिलहाल अभी मैं पहाड़ के ऊंची छोटी पर हूँ, जहाँ से मेरे को ढूंढना है जिस चीज़ के लिए, उस चीज़ को ढूंढने के लिए मैं आया हूँ। अब तक का घंटा कुछ पता नहीं चला है। इस बात के लिए मेरे को किस तोपों से सलामी नहीं, किस तोपों में डाल के सलामी देनी चाहिए? माँ की आँख, भाई मैं तो दीवाना हो गया इस नज़ारे को देखने के बाद। क्या लगता है किसको घर चाहिए होगा? मुझे तो अभी ये नज़ारा देखने के बाद भाई मैं तो घर भूल ही गया, मेरे को चाहिए नहीं घर, मैं यहीं पर खुश हूँ। वो देखो दूर एक अमरुद कहाँ से आ गया बे? मशरूम का पेड़, ये रहा बादल, ये रहा पेड़, और देखते जाओ और क्या क्या मिलता है, मुझे भी नहीं पता क्या क्या मिलेगा। और अबे दिखाना भाई क्या कर रहा है। और ये है पेड़ की पत्तियां, और पत्तियों को देखो भाई स्क्वायर के शेप में। कौन से पेड़ के पत्तियां स्क्वायर के शेप में होता है बे?
वो देखो भाई साहब क्या नजारा है। दूर देखा तो पहाड़ देखा, पास में देखा तब भी पहाड़ देखा, वाह क्या पहाड़ देखा है।